यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं तो शॉक्ड हो गया था। एक बिल्डर हैं दिल्ली में, उन्होंने मुझे बुलाया था, उनका 25वीं सालगिरह थी। तो मैंने, वैसे तो मैं 25वीं सालगिरह जाते ही बोलता हूँ, वानप्रस्थ कब कर रहे हो, मैं मुफट हूँ, आप जानते ही हो, मैं तो 25 हो गए, खत्म, हरी बोल, वानप्रस्थ। मैंने, वानप्रस्थ की पार्टी है क्या? नहीं नहीं, वो प्रभु जी वो 25वें साल की, मैंने, वानप्रस्थ की पार्टी है मेरे लिए तो है। मोदी प्रभु बताना जरा, आप तो बहुत सुनते हो, कितने साल के बाद होना चाहिए वानप्रस्थ? 50वीं बनाते हैं, मेरे तो हंसी आती है, मेरा बेड़ा गर्क हो गया इसका। ये वेस्टर्न फिलोसफी है, भोग की फिलोसफी, ये वेस्टर्न फिलोसफी है, नास्तिक फिलोसफी है, ये नास्तिक दर्शन है, ये आस्तिक दर्शन नहीं है। उसमें ये नहीं कहा गया वानप्रस्थ के अंदर कि पति पत्नी को छोड़ के चला जाए, नहीं, गलत। वो 25वां जो सालगिरह मनाते हो उसका मतलब है कि आपको वानप्रस्थ लेना है, सारे रिश्तेदारों को बुलाओ कि भाई साहब आज के बाद हम आपके किसी शादी ब्याह इसमें नहीं आएंगे, अब हम भक्ति में टाइम देंगे। नहीं जी, हम तो जाएंगे, हम तो अभी भी पीआर करेंगे, पब्लिक रिलेशन अभी भी बनाएंगे। अरे भाई साहब, जब आप शरीर तैयार दोगे, उसमें 1000 लोग हैं या 10,000 हैं, कहाँ देख पाओगे? बताओ मुझे, हैं? मेरे पिताजी ने कहा, अरे मेरी डेथ अगर शाम को हो जाए तो अगले दिन करना, बिकॉज वो आगरा के अंदर आर्मी के बाद वो पॉलिटिकल फिगर भी थे, सोशल सर्विस भी बहुत करते थे। अरे मैंने कहा, जाने के बाद 4 कंधे मिल जाए उसी में खुश रहो, बस क्या देखोगे और किसको बताओगे, और खुश भी होगे तो हंसी भी करोगे तो कोई देख नहीं पाएगा, और अगर किसी ने देख लिया तो भूत भूत करके वैसे भाग जाएंगे। अरे उसके साथ नाता जोड़ने के लिए भी तो टाइम छोड़ो भाई, उसके साथ नाता जोड़ने के लिए भी टाइम छोड़ो।